आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कनुप्रिया आज आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल डे के विश कर रही हूँ की शुभकामनाएं आप सभी को। आज हमारे जो कोऑर्डिनेटर है हमारे अपने आमन सर आज वो सेशन लेंगे। हम सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। मिस्टर अमन मकर सर ही हैज लर्न्ड योग अंडर द गुरु शिष्य परंपरा अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फादर श्री कमल किशोर मकर एंड अ रिनाउंड योग एक्सपोनेंट योग पीठाधीश्वर जगत गुरु यज्ञवल्क्याचार्य योग शिरोमणि डॉक्टर गोपाल जी सर हु इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ
एंड प्रेसिडेंट ऑफ योग ग्लोबल योग अलायंस. मिस्टर अमन मकर सर, ही डिड हिज मास्टर्स इन योग फ्रॉम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन फ्रॉम ग्लोबल योग अलायंस. He has also done a certificate course in Hasya Yoga, Laughter Yoga Leader from Global Yoga Alliance and Indian Yoga Laughter Yoga Federation, and foundation course in Yoga Science for Wellness conducted by Morarji Desai National Institute of Yoga. He also did his graduation in Humanities from the University of Delhi, Bachelor in Library and Information in Science from IGNU. He has a vast experience of more than 5 years in all the three basic areas of yoga, that is philosophical, educational training, and yogasana as sports. He's also having a great experience of more than 9 years in organizing yogasana championships and also socio-cultural activities. At present, he is serving as General Secretary of Nishtha, an NGO for the youth, by the youth, and is also a Joint Secretary and Coordinator of Global Yoga Alliance, Executive Member in Yoga Association of Delhi and Sadhana Niketan Yoga Ashram, and also working in the Ministry of Rural Development, Government of India. This all about sir. Sir, I welcome you for this August forum. Please, I'm handing over to you now. Please take over. Thank you. Thank you, Kanupriya ma'am, for this nice introduction. Once again, a very hearty welcome to all the participants in this final session of a month-long online yoga training program, Train the Pair. During this program, we have learned so many different therapies like yoga, naturopathy, Ayurveda, Reiki, and other alternative therapies from different resource persons. And today, the day has come to celebrate our 7th International Day of Yoga. I wish all of you a very happy International Day of Yoga. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम हम आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर वर्ष हम 21 जून को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा बनाए गए इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और पूरा विश्व इसका अभ्यास करता है. यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर वर्ष अलग अलग राज्य में जाकर इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल के कार्यक्रम में शामिल होते हैं. तो चलिए हम सब मिलके आज इस योगाभ्यास को प्रारंभ करते हैं. सभी लोग अपने अपने मैट पर आ जाएं और सभी अपने अपने कैमरे अगर ऑन कर लेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा. इस नई सुबह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खिले हुए चेहरे अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है इसका आनंद अलग ही होगा और हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. तो शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको. कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. अभी तक रिसोर्स पर्सन आपको सिखाते थे फिर आप करते थे, बट आज हम दोनों मिलके साथ में इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे. म्यूजिक में इंस्ट्रक्शंस प्ले होंगी, आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुनना है और मुझे देख के फॉलो करना है. और हर एक जैसे ही नए आसन का नाम लिया जाएगा तो आप पुराने आसन को रिलीज करेंगे और नए आसन में पढ़ेंगे. इसका अभ्यास हम करेंगे 3 बार ओम उच्चारण और प्रार्थना के साथ, फिर कुछ सूक्ष्म व्यायाम, योग आसन, प्राणायाम और अंत में ध्यान के साथ हम अपनी एक दूसरे से जुड़ने का संकल्प लेंगे और शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. आ जाइए सब अपने अपने मैट पर. Thank you.
Gachadvam Samvadadvam Gachadvam Samvadadvam Sambho Manansi Janatam Sambho Manansi Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Deva Sanjana upasate Sanjana upasate Sanjana upasate Sanjana upasate Sanjana upasate Sanjana योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें
कि इस दौरान भुजाए शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांव को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें, शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें, शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना। सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं। सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को 0 की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे लाएं, उंगलियों की जकड़न को खोलें, हाथों को धड़ के समांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। पादहस्तासना। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे।
इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आए तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षैतिज ना हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुके और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे ना जाएं। भद्रासन। आइए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हूं। भद्र का अर्थ है दृढ़। पांवों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंड आसन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। वज्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल हो जाएं।
उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं, घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल अवस्था में आ जाएं। शशांकासन। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं, जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को समांतर रखें। सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडुकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेंढक जैसी हो जाती है। वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं। श्वास खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें और वापस ले आए। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में ले आए। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें। बाईं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें, शरीर तथा गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। इस मुद्रा में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। अपना सिर पीछे घुमाएं, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें, पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें।
मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें, आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। भुजंगासन। अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हूं। भुजंग का अर्थ है सर्प या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं, सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। माथे को भूमि पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंगासन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। सांस छोड़ें। अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगे फैलाएं, हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें, थोड़ी को भूमि पर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें, अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें, टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आएं, अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतुबंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर के किनारे रखें, दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें, धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। यह पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें, धीरे धीरे मूल स्थिति में आएं और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्ध हलासन। इस आसन में
शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं, तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्ध हलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर की स्थिति नितंब से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़े तथा जांघों को छाती के पास लाएं, उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें, अपनी टांगों को सीधा फैलाएं, आराम करें। उदर की चोटों, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हों, आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागृत भाव से विश्राम दें। प्राकृतिक श्वास से परिचित हों, इसे लयबद्ध और धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तथा उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है। कपालभाति। यह मस्तिष्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं, सांस को उदर की मांसपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें। फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर निकालें और विश्राम लें। इस प्रक्रिया को 30 बार करें। यह कपालभाति का एक चक्र है।
प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब दो चक्र और करें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी परेशानियों, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 5 चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खींचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है, ये चित्त को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ति बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। शीतली प्राणायाम, शीत का अर्थ है ठंडा। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्याग्रता को दूर करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। पद्मासन अथवा किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसा बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाली अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। ठंड, कफ अथवा तुंडिका शोथ अर्थात टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के बुन बुन से मिलती जुलती लगती है। दोनों नास छिद्रों से गहरी सांस भीतर लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के बुनबुन की जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है, दो बार और दोहराएं। ये अनिद्रा की अच्छी दवा है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। अब भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की भुनभुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। यह एकाग्रता और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान। आइए अब ध्यान के लिए तैयार हूं। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें। अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ को रखें। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में होने चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। ये एकाग्रता स्मृति विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहें। Thank you.
स्वयं को एक स्वस्थ शांति प्रिय आनंद पूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूं। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख समृद्धि एवं शांतिमय स्नेह पूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय विवेक पूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। सुखिनः सर्वे
कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आई हैंड ओवर टू कनुप्रिया जी। योग दिवस की हार्दिक शुभकामना हमारे अमन जी। अमन जी, मैं कलेक्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। अमन जी प्लीज। यस मैम, यस मैम। ओके ओके। तो आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा और एक नई ताजगी का अनुभव हुआ होगा सबको। तो इसी के साथ मैं कनुप्रिया जी को एक बार फिर से हैंड ओवर करता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। Thank you. So today we have completed our 1 month journey to the path of knowledge, spirituality, sharing experiences and expertise of different field. We also completed a milestone to reach 7th International Yoga Day. Through this journey, each one of us received immense knowledge and enjoyed the view of many eminent personality. But valedictory is the nectar of all the previous actions and chapters we follow. And for this purpose, we have our helper, philosopher, guide of this magnificent journey, Yog Shiromani, Dr. Gopal Sir. Under his guidance, blessings and positive thought gives this journey a great success. So now I request Shri Dr. Gopal Sir, please come for the valedictory remarks. Sir, please. नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी ओर से और ग्लोबल योग अलायंस की ओर से 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मैं आपके सामने हूं। 1 महीने से हम लोग विभिन्न योग गुरुओं के माध्यम से आयुर्वेदाचार्य, नेचुरोपैथ्स और हमारे जितने अल्टरनेटिव थेरेपीज के विशेषज्ञ, मेडिकल साइंटिस्ट, सब लोगों के माध्यम से हम ट्रेनिंग ले रहे थे, अपना ज्ञान वर्धन कर रहे थे। और ग्लोबल योग अलायंस ने ये भी प्रयास किया कि ना केवल हम योग को सीमाओं में बांधें, बल्कि इनकी सीमाओं से भी परे जो ये योग की जो जड़ें फैली हैं हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। भारत के जाने माने खिलाड़ी आपके साथ जुड़े, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से लेकर दीपा कर्माकर, विश्व के नंबर 1 शूटर संधू जी, मानवजीत संधू, पैरा ओलंपियन दीपा मलिक, दीपा कर्माकर, विश्वेश्वर नंदी, जिम्बाराम और सभी खिलाड़ियों ने भारत के जो सब पद्मश्री या खेल रत्न या जो बड़े बड़े सम्मान उनको मिले, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकारा कि योग बहुत ही
एक ऐसा महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसके बिना शायद हम लोग भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाते, हम लोग जो है विश्व कीर्तिमान नहीं बना पाते। इतना ही नहीं, हम लोगों ने ये भी एक प्रयास किया कि ये योग केवल खेल या बाकी चीजों तक सीमित नहीं है। हमारा जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है जिसके अंदर गायन वादन और नृत्य जैसे विषय भी जुड़े हैं, उनमें भी योग की अहम भूमिका है। और इस परिचर्चा के अंदर भी बहुत ही सुंदर ये आयोजन हुआ जिसमें भारत की 3 महान नृत्यांगनाओं ने भाग लिया और 2 महान गायिकाओं ने भाग लिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर मैं समझता हूँ पूरे विश्व में इस तरह का आयोजन, यद्यपि आयोजन तो बहुत हुए हैं और आज तो पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन आज इस अवसर पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि ये जो हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और उसके ऊपर मेरे पास कल बहुत सारे न्यूज़पेपर के लोग आए और उन्होंने ये कहा कि हमको ऐसी जानकारी मिली है कि आप इसकी शुरुआत की भूमिका में फाउंडर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि ये तो सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सभा में यूएन असेंबली में ये प्रस्ताव रखा था और वो एक सशक्त माध्यम बने जिनके बिना ये संभव भी नहीं था कि 177 देशों ने अपनी सहमति दी, 177 कंट्रीज गेव इट सपोर्ट टू गेट यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 21 जून एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बट इसके पीछे भूमिका क्या थी वो लोगों को नहीं पता था। और जब जर्नलिस्ट से मैंने बात की तो भारत का जो सबसे बड़ा हिंदी अखबार है भास्कर, हम जानते हैं दैनिक भास्कर जो करीबन 14-15 राज्यों से छपता है, उसके प्रथम प्रश्न पर आज मेरा इंटरव्यू छपा है जिसके अंदर हमने ये बताने की कोशिश की है कि सबसे पहली शुरुआत इसकी जब हुई थी जब ग्लोबल योग अलायंस बना भी नहीं था। 2009 के अंदर पुर्तगाल के योग गुरु जो बहुत मेरे मित्र हैं मेरे घर आए थे और हम लोगों ने बातचीत की थी इसको, जब वो पुर्तगाल से भारत आए, स्वामी अमृत सूर्यानंद जिनको बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री देकर सम्मानित भी किया है और हमारी वो ग्लोबल योग अलायंस के बोर्ड मेंबर हैं आज भी, जब ग्लोबल योग अलायंस बना तो हमने उनको उसमें शामिल किया था, शिवानंद जी को और स्वामी अमृत सूर्यानंद जी को। रोम और पुर्तगाल की यूरोप की बहुत बड़ी देन है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करने में। और सबसे पहला सिंबॉलिक जो योगा डे था 21 जून वो हमने 2009 में रोम में मनाया था। उसके बाद में इसकी शुरुआत हुई 2010 के अंदर पुर्तगाल में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, पूरी स्टोरी आज के अखबार में मैं अमन जी को भेजूंगा, आप लोग शेयर कर सकते हैं जो भोपाल से छपा है, जो क्योंकि भोपाल में इसके जो फाउंडर हैं रहते हैं भास्कर, उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बधाई भी दी और धन्यवाद भी दिया है कि ये आप और जो गोपाल जी आपके माध्यम से 21 जून के बारे में जो इतिहास है वो सारी दुनिया को पता लगे, तो वो हमने उसमें बताने की कोशिश की है और उनके माध्यम से, और वो अध्यक्षता उस कार्यक्रम की थी 2009 में रोम में, हमारे भारत के सबसे बड़े महान जगत गुरु शंकराचार्य प्रयाग पीठाधीश्वर स्वामी ओंकारानंद जी महाराज ने, जो कि हम भी हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम में थे और हमारे वो ग्लोबल योग अलायंस के मुख्य संरक्षक भी हैं। तो ऐसे संत और महात्माओं का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है और हम इस कड़ी में योग को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम
आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लगातार हम किस प्रकार से ग्लोबल योग अलायंस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचें। आपको जो जानकारी है वो नियमित रूप से हम यहाँ पर कुछ कक्षाएं शुरू करें, क्योंकि हो ये रहा है कि योग के बारे में क्लासेस तो बहुत होती हैं, जगह जगह इसका प्रचार प्रसार भी बहुत है, लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि जब चीज़ें बहुत तेजी से फैलती हैं तो उसके अंदर थोड़ी विसंगतियाँ आ जाती हैं, उसका वैज्ञानिक पक्ष थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, उसका जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट वो भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। उसको ना मेंटेन, क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए, सही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम ज्ञान देंगे तो सबके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो इसका भी प्रयास पूरी तरह से ग्लोबल योग अलायंस करता है। हमारी जो रिसर्च टीम है बहुत ही स्ट्रांग टीम है। कल भी हमने जो सेशन किया था उसमें आपने देखा किस प्रकार से हमारे भारत के जाने माने मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉक्टर आर के मिश्रा उसमें थे, जो RML के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में रहे कंसल्टेंट। प्रोफेसर मीनाल तिवारी जो हमारी आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट योगा की हेड हैं वो थी। हमारे तो आचार्य कौशल कुमार थे और हमारे डॉक्टर राम अवतार जिन्होंने जड़ी बूटियों पर इतना कार्य किया है, पूरी दो जनरेशनें उनकी हो गई हैं। ऐसे लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया। अंतिम एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ग्लोबल योग अलायंस ने एक मंथली न्यूज़पेपर शुरू किया जिसको आज एक वर्ष पूरा हो गया और आज हम नया अंक रिलीज करेंगे 21 जून को। हर महीने की 21 तारीख को वो रिलीज होता है। जो लोग उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ग्लोबल योग टाइम्स इंग्लिश में। उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां रहती हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने योग गीत बनाया जो अभी तक नहीं बना। रोजाना आप सुबह देखते हैं हमारा कार्यक्रम इतने खूबसूरत योग गीत से शुरू होता है। इसके साथ साथ हाल ही में एक बहुत बड़ा हमने कार्यक्रम शुरू किया है पूरे देश और विश्व में क्वालिटी योगा टीचर्स बनाने का। हमारे दो बैच ऑलरेडी निकल चुके हैं, तीसरा बैच की अभी एडमिशन चल रहे हैं। 3 कोर्सेज हमने इसमें शुरू किए हैं, 120 घंटे का फाउंडेशन कोर्स, 240 घंटे का डिप्लोमा इन योग एंड लाइफ स्किल एजुकेशन और एडवांस कोर्स 480 घंटे का डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस एंड लाइफ स्किल एजुकेशन। हमारा ये प्रयास है कि ये जो शिक्षक जब भारत में और तो ये बहुत ही सही ज्ञान, सही उसका जो नॉलेज है, जिस तरह से हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर चाहिए उसी प्रकार से सही ज्ञान देने के लिए सही लोग चाहिए, और उस दिशा में ये बहुत ही बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। और आज 21 जून को अभी एक हम बहुत बड़ा लोगो जो हमने तैयार किया है पूरे विश्व के लिए, जिसका नाम हमने दिया है IYS, इंटरनेशनल योगा स्टैंडर्ड। क्योंकि जब तक क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, हम लोग जब भी जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो सामान लेना जिसमें ISI की मोहर हो, वो सामान लेना जिसके अंदर एक क्वालिटी प्रोडक्ट की मोहर हो, वो सामान लेना जिसके अंदर बहुत ही उत्तम चीज हो। और योग के अंदर अभी तक ऐसा कोई कंट्रोल सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है। इस मामले में भी हमने पहल की है, 2 सपने हमारे पूरे हुए हैं। पहला सबसे बड़ा सपना था 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का, वो पूरा हो गया, आज पूरी दुनिया मना रही है। दूसरा हमारा सपना था कि योगासनों को भारत सरकार खेल का दर्जा दे। आश्चर्य करेंगे कि भारत सरकार ने तो अब दिया है, उससे पहले बांग्लादेश, ईरान, अरब, इन देशों ने दे दिया जो इस्लामिक देश है। और पिछले वर्ष जब मैं बांग्लादेश गया जहां पर हमारी एशियन चैंपियनशिप हुई योगासनों की, तो मुझे इतना सुखद आश्चर्य हुआ जब वहां के कल्चरल मिनिस्टर ने मेरा स्वागत किया, वहां की सरकार ने मुझे सम्मान दिया, कि कितना योग के प्रति वो लोग लालायित हैं। और उन्होंने कहा कि हम तो हर वर्ष चाहेंगे कि भारत हमारे साथ जुड़ के इसको आगे बढ़ाए। और हम इसको, कल हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर रात को वर्ल्ड योगा कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस,
ग्लोबल योग अलायंस और एशियन योगासन फेडरेशन ने मिलकर भाग लिया। करीबन 12 देशों के लोग उसमें जुड़े और उन सब ने एक मत से ये प्रस्ताव किया, आने वाले एशियाई खेलों में और उसके बाद ओलंपिक खेलों तक हम लोग योगासन को खेल के रूप में लाएंगे। और मेरे जितने भारत के खिलाड़ी, उन्होंने मुझे पूरा वचन दिया, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर एंड अदर ओलंपियन ऑफ द कंट्री एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सब लोग हम एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं इस दिशा के अंदर। और हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और न केवल आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा पूरे विश्व को इसमें शामिल करें और ग्लोबल योग अलायंस उसके लिए सदा तत्पर रहेगा। आप सब लोगों ने, मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छे ढंग से इसको संचालन किया है। कनुप्रिया जी हैं, सती जी हैं, डॉक्टर कलसी हैं, बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे। हमारी सदनचल जी सबसे एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, डॉक्टर कश्यप ने तो बहुत ही इसमें सहयोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं किन किन के नाम लूं। और आप सबके प्रिय अमन जी ने तो इसको बहुत अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट भी किया। तो सभी लोगों ने जो है अपना बहुत अमूल्य सहयोग दिया है और ये आज हम एक परिवार बन चुके हैं, एक फैमिली बन चुके हैं। तो ये बहुत योग का मतलब ही है कि सबको जोड़ना, सबको साथ लेकर चलना। और ये सब जब हम करते हैं तो हम एक ऐसे सुखी परिवार का हिस्सा बनते हैं जो कि परिवार विश्व में अनूठा है, अनोखा है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ फिर से आप सभी को बधाई देता हूँ। अंतर की हमारे बीच शायद डॉक्टर कश्यप मेरे सामने, मैं देख रहा हूँ मेरे भाई छोटे जुड़े हैं और मैं जरूर चाहूंगा कि वो भी इस अवसर पर दो शब्द जरूर कहें। उनका बड़ा योगदान रहा है और किस प्रकार से हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं चाहूंगा डॉक्टर कश्यप काइंडली से फ्यू वर्ड्स। गुरु भाई को नमस्कार। एक त्रुटि रह गई है, उसको आप पूरा करें, हमें गुरु ध्यानधर जी की फोटो के दर्शन करा दें, जिन्होंने आप जैसे महान व्यक्तित्व को बनाया, आगे बढ़ाया। आप तो हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन गुरु हमारे गुरु ध्यानधर जी थे। आपसे गुजारिश, अगर उनकी फोटो आसपास है और खास तौर पे जो उनको अर्जुन की उपाधि मिली थी ब्रिटिश काल में, उस फोटो को सभी को दिखाएं और हमें बहुत सुकून मिलेगा। बड़ा अच्छे वो दिन जो बगीची में हमने उनके सानिध्य में उनके आशीर्वाद से गुजारे हैं, उनको हम याद करना चाहेंगे। इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं हमने कहीं देखा। ये नहीं कि हम इससे जुड़े या आप हमारे गुरु भाई हैं, ये सत्य है कि जिस तरह से हमारे जो एक्सपर्ट्स आए हैं इस प्रोग्राम में पूरे महीने और किस लयबद्ध तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहा है, कोई हमने कहीं इसमें त्रुटि नहीं देखी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस गुरु जी के दर्शन हो जाए सभी को, हम बहुत धन्यवादी रहेंगे आपके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर कश्यप फॉर योर काइंड वर्ड्स। बिल्कुल आपकी ये, मैं अभी चूंकि रेडी उसके लिए नहीं था, लेकिन मैं गुरु जी का फोटो सभी को ग्रुप में भी शेयर करूंगा और उसको हम उसको बिल्कुल तैयारी के साथ, और अभी ना केवल ग्रुप, क्योंकि वही हमारी मेरे तो हमेशा हृदय में रहते हैं, तो इसलिए मुझे फोटो की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मैं फिर भी जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं देख जरूर उनके दर्शन कराना चाहूंगा। और आपने बहुत मन की बात कही मेरे, क्योंकि आज जो कुछ भी है उनकी प्रेरणा से है। बहुत कम लोग जानते हैं, जब डॉक्टर कश्यप ने ये बात कही है तो मैं आपको बता दूं कि ही वॉज द वन हु स्टार्टेड द फर्स्ट एवर योगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन दिल्ली इन 1947, जबकि मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो यह बहुत बड़ा उनका योगदान है और वही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने इसके बाद हमारे उस समय के बाद एक और बहुत बड़े महान योगी आए जिनका नाम था स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। और उन्होंने जब अपना, जिस समय पिताजी
लाल किले का मैदान है, डॉक्टर कश्यप जानते हैं क्योंकि हम दोनों ने बहुत समय वहां हमने भी गुजारा है, जिमनास्टिक में जब इनको सिखाता था तो वहीं पर ये सुबह सुबह मुझे याद आता है अपनी साइकिल पर कारपेट रखकर लाते थे। ये देखिए जज्बा गुरु और शिष्य दोनों का। नॉवल्टी सिनेमा इतना दूर जहां ये रहते थे, फतेहपुरी से भी आगे, और वहां से साइकिल पर सुबह सुबह कारपेट लेकर आना, मुझको साथ में ले जाना और वहां पर दोनों भाइयों ने अभ्यास करना, सीखना सिखाना, ये बहुत ही एक ऐसा कमिटमेंट था जो शायद एक इतिहास है। मैं तो समझता हूँ इतनी फिल्में बनी है, किसी प्रोड्यूसर को कहेंगे भाग मिल्खा भाग भी बनाई, बहुत बनाई, इस पर भी एक बनाओ। ये एक इतना ज्वलंत विषय है जिसके ऊपर बहुत सारे करोड़ों लोग जो है प्रेरणा ले सकते हैं इस तरह की स्टोरी से। लेकिन मैं निश्चित रूप से डॉक्टर कश्यप, आई प्रॉमिस, अभी अब मैं सबको शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि जब पिताजी का संपर्क स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से हुआ तो उन्होंने जिस तरह स्वामी अमृत सूर्यानंद ने अपनी मन की बात मुझे रखी और हमने उसको ग्लोबल अलायंस के माध्यम से आगे बढ़ाया कि आज 21 जून हम मना रहे हैं, उसी तरह स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने अपनी मन की बात पिताजी को रखी और उन्होंने कहा कि जगह मैं दूंगा। और उन्होंने गोल डाक खाने पर जो आश्रम आज मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के नाम से जानता है उसकी फाउंडेशन रखी। और जब स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने उसकी फाउंडेशन रखी तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अंदर यदि कोई योग गुरु है तो वह है आप, और आप इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर रहेंगे। और उस तरह से जब इसकी शुरुआत हुई तो हमारे पिताजी और योगी राज चंद्र मोहन जी महाराज, दोनों योगी जो थे महान उस समय के, वो फाउंडर मेंबर बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जो हमारी CCRYN आज कहलाती है आयुष मंत्रालय में, सेंट्रल रिसर्च काउंसिल फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी उसके। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम सब लोग अंत में एक बार पुनः मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। हमारा आई एम ग्लैड टू आज के हम ब्यूटिफुल नए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड कायम के बड़ी भूमिका रही लोगों तैयार किया प्रधानमंत्री जी ने, जिस साधुवाद पर साधु और वो है हमारे मेहुल, आप अपीयर हो स्क्रीन पे, अमन जी आए। और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि कितनी मेहनत की है जितने लोगोज आज आपने देखे हैं, वो सारे के सारे लोगोज उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। जितने भी आपने देखे हैं, जितने लोगों जो अभी तक आप रोज देखते थे खूबसूरत, वो भी उन्होंने बनाए हैं। और ऐसे हैं हमारे ये मेहुल चित्रोजा जी जो गुजरात से हैं और मेरे योग के विद्यार्थी भी हैं हमारे साथ, ये वहां भी गए थे अभी हाल ही में बांग्लादेश, और उसके अंदर भी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो मैं चाहूंगा एक बार मेहुल जी अगर हैं तो वो स्क्रीन पर आए और
ताकि हमारे सब लोग भी इसको मेहुल चित्रौदा वेलकम मेहुल बहुत बहुत धन्यवाद का आपने बहुत ही मेहनत दिन रात की है जिस तरह हम जानते हैं कि जब कोई फिल्म बनती है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे पर होते हैं जिसमें हीरो होता है हीरोइन होता है कलाकार होते हैं लेकिन कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं ये उन कलाकारों में रहे हैं मेहुल जो पर्दे के पीछे से काम करते रहे और हमको न केवल सपोर्ट करते रहे लेकिन चाहे वो लोगो बनाने का काम था कोऑर्डिनेशन का काम था अमन जी के साथ मिलकर आप समझ सकते हैं कि हमारी जो ग्लोबल योग अलायंस की टीम थी वो किस तरह से काम कर रही थी एक हमारी दिल्ली से अमन जी कोऑर्डिनेट करते थे गुजरात से बैठे हुए हमारे वहाँ पर पूरा ये लोगो और ये सब चीज़ें ध्यान रखते थे पूरा जो हमारा कंट्रोल सिस्टम बॉम्बे में था शशांक जी हमारे बीच वो नहीं है अंजुली जी हैं आप मैं चाहूँगा अंजुलि जी भी जरा स्क्रीन पर आए अगर लेकिन वो शायद उनका कैमरा गड़बड़ है उनकी आवाज़ ये आती है लेकिन तस्वीर वो छुपाती हैं अपनी कम बहुत छुपाने की कोशिश करती हैं अंजुलि जी आप अपनी आवाज़ अगर मेरी आवाज़ सुनी है तो सिर्फ आवाज़ ही से बता दीजिए और कुछ कहना चाहती हैं तो दो शब्द जरूर कहिए अंजुलि जी मुझे तो लगता है सेशन में वो इस समय नहीं है शायद कुछ नेटवर्क इशू की वजह से ओके ओके तो मैं चाहूंगा मेहुल जी जरूर दो शब्द इस बारे इस बार अवसर पर कहें मेहुल नमस्कार गुड मॉर्निंग और सबको सातवें अंतरराष्ट्रीय योग दिन पर सबको खूब खूब शुभकामनाएं पिछले एक महीने से जो हम ट्रेन द ब्रेन हमारा मंथ लॉन्ग सेशन जो गोपाल जी के गाइडेंस के अंडर में हम सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और पूरे साल का जो योग है वो हमने एक ही महीने में सिखा दिया है सबको और बहुत ही कितने सारे लोग हमारे से जुड़ गए हैं ये पिछले एक महीने के अंदर कि कम से कम हमारा ग्लोबल योग अलायंस जो रियल में अब ग्लोबल की ओर आगे बढ़ने जा रहा है तो आगे हम ऐसे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे गोपाल जी हमें जैसे गाइडेंस देते रहेंगे उस हिसाब से हम आगे काम करने की कोशिश करेंगे और सारे सभी महानुभावों को मेरी ओर से फिर से एक बार खूब खूब शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के ऊपर और मैं चाहता हूं कि सर हम सब मिलके आप और आज जो हमने IYS को लॉन्च किया है वो अगले एक साल तक IYS हमें इंटरनेशनली लेवल पे उस हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन का जो योग का स्टैंडर्डाइजेशन का काम करना है वो आज से ही शुरू करते हुए हमारी टीम आप सबकी हमें बहुत ही ज़रूरत है इस काम को करने के लिए तो आप सबसे सहयोग मिलता रहेगा और हम ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल आपने बड़ी अच्छी बात की आपने जो इतना खूबसूरत लोगो डिज़ाइन किया है IYS इंटरनेशनल योगा स्टैंडर्ड का इसको हम नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और एक बात और मैं कहना चाहूँगा अपने सारे दर्शकों को हम सब लोग एक नव परिवार हैं बहुत ही जल्द जहाँ हम ग्लोबल योग अलायंस ने जो टीचर्स तैयार करने शुरू किए हैं ये जो मुहिम तैयार करनी शुरू की है ये टीचर्स अक्सर जब ये बात आती है तो मैं तो एक विचारक के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ वर्तमान में भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में BEd के फाइनल ईयर के छात्रों को योग पढ़ाता हूँ अक्सर मुझसे विद्यार्थी लोग पूछते हैं कि सर ये जो इतनी भारत की यूनिवर्सिटियाँ हैं जो डिग्री देखने का काम करती हैं और डिग्री बांटने के कारखाने जो इतने सारे भारत में खुल चुके हैं वो हमको नौकरियाँ क्यों नहीं देते और ये मैंने बड़ी गंभीर रूप से इस पर विचार किया अपनी टीम के साथ बात की कि यार पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया जो है वो अपनी ये जो है कर रही है अपना योगा का ट्रेनिंग देने का काम
और डिग्री बांटने का काम, तो अगर ऐसे में अगर हम भी ये कोई काम कर रहे हैं तो हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा सोचो कि जो हमारे विद्यार्थी या छात्र जो योग शिक्षक बने तो वो कहाँ पर उनको सबसे पहली जो जिम्मेवारी है किसी की भी, वो है रोटी कपड़ा और मकान, चाहे वो सरकार हो चाहे वो संस्थान हो। और यदि हम लोग उससे इतना करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं और उनके लिए नहीं सोचते हैं तो हम बहुत ही स्वार्थी बनकर सोचते हैं, हम बहुत ही सेल्फिश बनकर सोचते हैं। लेकिन ग्लोबल योग अलायंस तो एक ऐसा संगठन है जो कि एक भी पैसा अपने लिए नहीं रखता। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, मेरे से लोगों ने कहा अरे सर आपको तो लगता है करोड़ों रुपए स्पॉन्सरशिप आई होगी। मैंने कहा एक नया पैसा ना किसी से लिया ना किसी को दिया, ना है, देने के लिए था नहीं, लेने के लिए मांगा नहीं। लेकिन सब लोगों की प्रेरणा से ये सब हुआ कि हमारे जो सचिन तेंदुलकर कश्यप जानते हैं, अगर मैं उनसे बात करूं आ जाओ तो कहेंगे हाँ भैया पहले 10 करोड़ का चेक भेज दो उसके बाद में फिर आपकी बात करना। सबको पता है, एक बार हमने पूनम ढिल्लो जी को बुलाया था, मेरी पुरानी रही है कार्यक्रम में, इसमें नहीं मैं बुला पाया, मैं चाहता था मेरी पुरानी सहेली भी, सहेली नहीं मैं कहूंगा मगर हाँ वो मुझे बहुत रेस्पेक्ट देती हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो बोली क्या रहा एक काम करो मत दो पैसा पर मुझे किराया तो दे दो। मैंने कहा यार किराया भी तुम हमसे ही मांगोगे। तो ये खैर ये तो एक ऐसी बात है, लेकिन आप सब लोगों के प्यार और स्नेह ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। तो हमने ये सोचा है कि ग्लोबल योग अलायंस अब एक नई मुहिम शुरू करने जा रहा है और उसका आधार है महात्मा गांधी के वो शब्द जिस समय उन्होंने ये कहा था कि कोई भी देश द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स इन एनी कंट्री इज नॉट ए साइन ऑफ ए सिविलाइज सोसाइटी। बहुत बड़ी बात थी, कल हमने उसी पर सेशन रखा। अरे दुनिया के अंदर हम कितने अस्पताल खोलेंगे, दुनिया के अंदर हम कितनी जेलें खोलेंगे, क्या पूरे देश को क्रिमिनल बनाएंगे, पूरे देश को बीमार बनाएंगे, पूरे देश को मेंटली डिसऑर्डर का शिकार करवाएंगे, कहां तक ये हम चूहा दौड़ विकास की में शामिल होते जाएंगे। समय आ गया एक रिवर्सल का, समय आ गया एक पीछे चलने का। जिस तरह परेड के अंदर हमारी मेजर कलसी बैठी हैं, वो जानती हैं कि जिस समय परेड को कमांड दिया जाता है तो सबसे पहले उसको सावधान किया जाता है और सावधान करने के बाद उसको बाएं से तेज चल कहा जाता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है और जब वो तेज चल की अंतिम छोर तक चली जाती है तो उसके बाद उसको अबाउट टर्न किया जाता है, उसको पीछे से और फिर से चलने को कहा जाता है। आज हमारे देश की और पूरी दुनिया की वही स्थिति आ गई। तो इस पर हमने बहुत विचार किया है, हम ग्लोबल योग अलायंस की ओर से GYA वैदिक वेलनेस सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला मॉडल भारत का क्या विश्व का, वो मेरी प्रयास है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में कहीं जगह बहुत सारी हमको मिल गई है, बहुत से लोग अपनी लैंड ऑफर कर रहे हैं, किसी ने कहा हमसे 10 एकड़ ले लो, किसी ने कहा हमसे 20 ले लो, बहुत सारे लोग आ गए हैं ऐसे दानी। मुझे याद है कि जब विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भूमि का दान चाहिए। आज ग्लोबल योग अलायंस भी भूमि का दान मांग रही है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं। अब उन भूमियों पर हमारे जो वैदिक वेलनेस सेंटर बनेंगे वो एक नया बिगुल बजेगा स्वास्थ्य की ओर वापस जाने का, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ को वापस की तरफ वापस जाने का। और उसके ऊपर हमारी नौजवान टीम में पता नहीं आज, क्योंकि हमारे वो आर्किटेक्ट इस समय जो बैठे हैं वेलनेस सेंटर के वो रोम में है, अंकित कोकिल जी आप मिल चुके हैं, उनका सेशन भी ले चुके हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत डिजाइन वैदिक वेलनेस सेंटर का तैयार किया है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, शायद अभी तक दुनिया में ऐसा डिजाइन आया ही नहीं, क्योंकि ग्लोबल योग अलायंस तो क्वालिटी में बिलीव करता है, जो भी काम करेंगे हम क्वालिटी के साथ करेंगे। ऐसा वेलनेस सेंटर एक डिजाइन किया है जिसके अंदर जब रोगी आएगा तो वो स्वस्थ होकर ही जाएगा। आजकल जितने अस्पताल हैं हमने देख लिया कोरोना पेंडेमिक में, उसमें 80% तक डेथ रेट चला गया था,
जो जाता था जिंदा वो वापस आता था बॉडी के साथ। बहुत बुरी स्थिति हमने देखी है इस कोरोना काल में, लेकिन हमारा जो वैदिक वेलनेस सेंटर बनेगा, जो अंदर जाएगा वो बेचारा जीवन दान लेकर आएगा, ऐसा हमारा इसके ऊपर प्रयास। हमारी टीम इसके लिए आयुर्वेद विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ, हमारे नेचुरोपैथ विशेषज्ञ, हमारे योगा थेरेपिस्ट और हमारे ना केवल अल्टरनेट थेरेपिस्ट के विशेषज्ञ, वास्तु विशेषज्ञ। हम जानते हैं कि कनुप्रिया जी जानती हैं कि वास्तु का कितना अहम रोल होता है। एक मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपसे शेयर कर लेता हूं। आप दक्षिण में पांव रखकर सोइए और उत्तर में सर रखकर सोइए, नहीं भी है तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, निश्चित है। कितने ही स्वस्थ हैं, ये सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने कर देखे। तो उस जो वैदिक वेलनेस सेंटर होगा और उसका नाम होगा ज्ञान केंद्र, जो हमने नाम दिया है उसको दिया है ज्ञान केंद्र। ज्ञान, जी फॉर ग्लोबल, वाई फॉर योगा, ए फॉर आयुर्वेदा एंड एन फॉर नेचुरोपैथी, ज्ञान केंद्र जी वाई ए वैदिक वेलनेस सेंटर। ये आज मैं इसलिए घोषणा कर रहा हूँ, आज बहुत शुभ दिन है, आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है और इसके अंदर मैं चाहूँगा मुझे कम से कम 2 वर्ष के अंदर 1000 योग शिक्षक तैयार करने हैं, जिनको हम इसमें जॉब दे सकें, जिनके लिए हम लोग ये तैयार कर सकें और ये प्लेटफॉर्म पूरे देश में और उसके बाद में विदेश में, हमारे ज्ञान केंद्र और हमारे वैदिक वेलनेस सेंटर पूरे देश और दुनिया में जाएं, उसके लिए एक बृहत योजना तैयार की है और उसके भी शुरुआत की घोषणा मैं आज यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ, आज बहुत शुभ दिन था, हम सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह अपने को डेडिकेट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग यदि मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब एक नया रोल मॉडल पूरी दुनिया के सामने, WHO के सामने, क्योंकि हम उनको भी ये बताना चाहते हैं कि बीमार, जैसे कल डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई एलोपैथी तो बहुत काम करती है, जब बीमारी आती है तब उसका वैक्सीन ढूंढती है। हमें ये आवश्यकता ही ना पड़े, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी बड़े से बड़ा तूफान टकरा जाए योगियों से या योग करने वालों से, कुछ नहीं कर पाएगा। उस दिशा में हमको काम करना, ये हमने देखा था कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कोरोना नहीं होगा, हुआ भी ऐसा, हम सब लोग उसके गवाह हैं। हमें से कितने लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, जिन्होंने रोजाना सेशन, मेरी तो उम्र भी, मेरे को तो मेरे बच्चे बहुत डराते थे, पापा अपना ध्यान रखना अपना ध्यान रखना, मैंने बेटा चिंता ना करो, हम सब लोग जो है, लेकिन ये ठीक है, हम सब एक उस पर विश्वास और आस्था रखते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। ये एक महीने का सफर बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा और हम सब लोग जो है, डॉक्टर कश्यप का ये कहना है कि वो योगा एंथम से हमारी ये क्लोजिंग हो, तो मैं अमन जी चाहूंगा योगा एंथम के साथ हम ये आज की क्लोजिंग करें, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको एक बार फिर से, क्योंकि ये तो हम जितनी बार सुनते हैं आनंद आता है, बड़े मन से हमने इस गीत को मैंने प्रेरित किया है, बड़े मन से हमारे जयशंकर जी ने लिखा है, बड़े मन से हमारे परिहार जी ने धुन बनाई है, बड़े मन से उस बच्ची ने गाया है। तो एक बार फिर से हम इसकी शुरुआत करके और आज का कार्यक्रम यहीं पर हम लोग एंथम के साथ, योगा एंथम के साथ समाप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत एक महीने का जो ये सफर था ये बहुत ही अच्छा था और आपने जितना हमें सिखाया और बहुत ही प्रेरणादायक था वो। बहुत ही आप लोगों के साथ जुड़कर भी हमको इतना आनंद आया। मैंने मैक्सिमम सेशन अटेंड करने की कोशिश मैंने भी की है, यद्यपि व्यस्तता के कारण हम बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल थे, लेकिन आप सब लोगों ने जो इसको एक अपना सपोर्ट दिया है वो बहुत ही आगे ले जाएगा हमारी। ग्लोबल योगा अलायंस ने सबको उठना और जीना सिखाया जी, हम तो यही कहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर गोपाल जी का, अमन जी का, गणेश जी का, ऑल टीम, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, छाया और चलाया सबको सर। अब मिलकर और आगे चलेंगे तेजी से साथ, हम आप सबके साथ, हम आपके साथ। योग दिवस के सेशन करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, ऐसा सेशन हो तो लिंक दीजिए। जी जी, आपको सभी जानकारी जो है आने वाले कार्यक्रम की भी भविष्य में मिलती रहेगी। और एक बार ये मेरा सबसे अनुरोध है कि सब अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे हम एक बार फिर से आंखें बंद करके इस योग गीत का आनंद लें। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत बड़ी मैं कहना भूल गया, सॉरी अमन जी, प्लीज इंश्योर कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाए। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, फिट इंडिया मूवमेंट, ग्लोबल अलायंस और सारी संस्थानों की ओर से, जो 42 संस्थाओं ने हमें सहयोग दिया, सबकी ओर से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये भी मैं इच्छा घोषणा करना चाहता था जो आज मैं भूल गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच गोपाल जी, थैंक यू सर, सब ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ वेरी नाइस सेशन।
और इसी के साथ रहें, सुखी रहें। इसी अपना अपना सहयोग ग्लोबल योग अलायंस को प्रदान करते रहें और पुनः एक बार आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी योग अलायंस। इससे ये जान पड़ता है कि आप कितना पूरे विश्व के लिए जो है ना स्वास्थ्य के लिए आप कितना एक्टिव हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर, अमन जी, पूरे टीम को हार्दिक शुभकामनाएं योग दिवस की। धन्यवाद, धन्यवाद।